हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून 2018 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पिछले 4 साल से इसे मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर इसे शुरू किया गया था और आज पूरे विश्व स्तर पर इसे मान्यता प्राप्त है। यूएन ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने के लिए मान्यता प्रदान की है और योग हमारे शरीर को हमारे मन से और हमारे मन को हमारे आत्मा से जोड़ता है, इसी का नाम योग है। और योग हमारे शरीर को बहुत दीर्घ समय तक स्वस्थ रखता है और शरीर को सभी बीमारियों से बचाए रखता है। तो आप देखिए कि महर्षि पतंजलि ने इस योग की स्थापना की और आज सारे विश्व में उनका लोहा माना जा रहा है, उनके सूत्रों को माना जा रहा है, उन्होंने इसे एक सूत्र में पिरोया हुआ था। तो आइए आज हम आप मिलकर एक बार फिर योग करते हैं और इस योग दिवस का आनंद लेते हैं। चलिए कुछ ना कुछ तो आप रोज़ कुछ ना कुछ योग करिए और कम से कम 10-15 मिनट तो आपको योग अपने शरीर के लिए करना ही चाहिए। ये आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपने शरीर के लिए। योग ना केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। चलिए आइए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी कुछ योग कीजिए।